हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों यहाँ पर संस्कृति यूनिवर्सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर है। पूरा डिटेल से बात करेंगे किस कोर्स की कितनी फीस है और क्या क्या टाइम रहने वाला है, तो पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। ध्यान से आपको पूरी वीडियो देखनी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बीटेक की बात करेंगे। जो लोग बीटेक करना चाहते हैं अदरवाइज कर सकते हैं। बीटेक की जो फीस रखी गई है वो यहाँ पर फर्स्ट ईयर की लगभग 1,15,000 के आसपास रखी गई है। तो यहीं पर सेम चार्ज रहेगा आपका लगभग 4 साल तक। तो आपको एक बार जाके खुद पता करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से 1,15,000 के आसपास रहेगी इसकी फीस। चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो लोग एमबीए करना चाहते हैं एमबीए कर सकते हैं। यहाँ पर जो इसकी पर ईयर चार्ज रखा गया 1,15,000 रुपये चार्ज रखा गया, वही सेम चार्ज आपका सेकेंड ईयर में रहने वाला, यानी कि जो टोटल फीस रहने वाली आपकी 2,30,000 रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो लोग यहाँ से बीकॉम करना चाहते हैं, बीकॉम की यहाँ पे जो चार्जिंग अमाउंट रखी गई वो 30,000 रुपये रखी गई, यानी कि पर ईयर सेम चार्ज रहेगा आपका। 3 साल का कोर्स है, यानी कि 3 साल तक आपको 30,000 रुपये पे करना पड़ेगा और जो टोटल यहाँ पर रखा गया है वो 90,000 रुपये रखा गया, यानी कि 3 साल के अंदर 90,000 रुपये पे करना पड़ेगा और आपका कोर्स कम्प्लीट हो जाएगा। तो चलिए बीकॉम होनेस्ट से करना चाहते हैं तो यहाँ पर 45,000 रुपये चार्ज रहेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 45,000 रुपये पर ईयर चार्ज रहेगा, वही सेम चार्ज आपको 3 ईयर तक पे करना पड़ेगा, यानी कि आपका यहाँ पर जो टोटल अमाउंट रहने वाला है वो 1,35,000 रुपये रहेगा, यानी कि 3 साल के अंदर आपको 1,35,000 रुपये पे करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो लोग BCA करना चाहते हैं BCA कर सकते हैं आप। तो BCA के यहाँ पर जो चार्जिंग अमाउंट रखा गया वो 50,000 रुपये रखा गया और वही सेम चार्ज आपका सेकेंड एंड थर्ड में रहेगा। तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट निकल गया था 1,50,000, यानी कि 3 साल के अंदर आपको लगभग 1,50,000 रुपये से खर्च करना पड़ सके, यानी 1,50,000 रुपये। तो आप BCA कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो लोग BCom और LLB, यहाँ पे समझिए थोड़ा ध्यान से। तो दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके की आपको वीडियो मिलती रहे। एक बार हमारे चैनल पर जाकर जरूर विजिट कीजिएगा। तो यहाँ पर BCom और LLB की बात करेंगे। जो लोग BCom और LLB दोनों एक साथ करना चाहते कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी चार्जिंग अमाउंट रखी है वो 80,000 रुपये रखी है, यानी कि पर ईयर 80,000 रुपये चार्ज रहेगा। वही सेम चार्ज आपका लगभग 4 ईयर तक रहने वाला है, यानी कि 80,000 रुपये आपको 5 साल तक पे करना पड़ेगा और यहाँ पर जो टोटल अमाउंट निकल गया था 4 लाख रुपये, यानी कि 5 साल के अंदर आपको 4 लाख रुपये पे करना पड़ेगा। यानी कि आप मान लीजिए 5 साल के अंदर आपको 4 लाख रुपये का कोर्स दोनों ही कम्प्लीट हो जाएंगे, BCom और LLB। जो लोग BA और BEd, यानी कि BA और BEd करना चाहते कर सकते हैं। यहाँ पर जो फीस रखी है वो यहाँ पर 40,000 रुपये रखी है, यानी कि पर ईयर 40,000 रुपये चार्ज रहेगा और ये 4 साल का कोर्स रहेगा। टोटल जो अमाउंट रहेगा यहाँ पर 1,60,000, यानी कि 1,60,000 रुपये में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो लोग LLB करना चाहते हैं LLB कर सकते हैं। LLB की जो फीस रखी है वो यहाँ पर 75,000 रुपये रखी गई और सेकेंड ईयर की 75,000 रुपये, थर्ड ईयर की 75,000 रुपये और यहाँ पर जो टोटल अमाउंट रखी गई 2,25,000 रुपये रखी गई है, यानी कि 2,25,000 रुपये में तीनों कोर्स दो तीनों साल की फीस निकल जाएगी आपके, 2,25,000 रुपये में कंप्लीट हो जाएगी। बी फार्मा की बात करते हैं। जो लोग बी फार्मा करना चाहते हैं बी फार्मा कर सकते हैं। पर ईयर 1 लाख रुपये चार्ज रहेगा और ये आपका बी फार्मा 4 साल का रहने वाला है, यानी कि 4 लाख रुपये पे करना पड़ेगा, 4 साल के अंदर कोर्स कम्प्लीट हो जाएगा। जो लोग एमटेक करना चाहते हैं एमटेक कर सकते हैं। एमटेक का जो चार्ज रखा गया है वो यहाँ पर 60,000 रुपये रखा गया है, यानी कि पर ईयर 60,000 रुपये चार्ज रहेगा और सेकेंड ईयर में भी 60,000 रुपये रहेगा। जो टोटल अमाउंट रहेगा यहाँ पर 1,20,000 रुपये रहने वाला है। तो आप यहाँ से भी ये कोर्स कर सकते हैं। तो ये 2 साल का कोर्स रहने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है। जो लोग MCA करना चाहते हैं MCA कर सकते हैं। MCA की जो फीस रखी है वो यहाँ पर 60,000 रुपये रखी गई, यानी कि पर ईयर 60,000 रुपये चार्ज रहेगा और जो टोटल अमाउंट रखा गया यानी कि 1,80,000 रुपये, यानी कि टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा 1,80,000 रुपये और 3 साल का कोर्स रहेगा। तो आप यहाँ से ये कोर्स कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो लोग BSc करना चाहते हैं तो यहाँ पर BSc कर सकते हैं। BSc लगभग 40,000 से 60,000 रुपये पर ईयर पे करना पड़ेगा, ये 3 साल का कोर्स रहेगा और आपका ये कोर्स बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो BBA की जो फीस लगे वो 45,000 से 90,000 रुपये तक हो सकते हैं, यानी कि आपको कुछ इस तरीके से पे करनी पड़ेगी। तो आप ये 3 साल का कोर्स कर सकते हैं। जो लोग BA करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बताया 30,000 से 50,000 रुपये पे करना पड़ेगा आपको। जो लोग BTech करना चाहते हैं लैटरल से, तो यहाँ पर 1,15,000 रुपये चार्ज रहेगा और ये लैटरल वाला कोर्स जो है आपका 3 साल का रहेगा और जो टोटल अमाउंट यहाँ पर निकल के आने वाला है 3,45,000, यानी कि 3 साल के अंदर आपको 3,45,000 रुपये पे करना पड़ेगा। जो लोग अदरवाइज BEd करना चाहते हैं और अदरवाइज BEd सिर्फ BEd करना चाहते हैं तो 60,000 रुपये पर ईयर चार्ज रहेगा, वही सेम चार्ज आपका सेकेंड में
और जो टोटल अमाउंट रहेगा वो यहाँ पर 1,20,000 रुपये रहेगा, यानी कि 1,20,000 रुपये में आपके कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग बीएससी लेटरल से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये 2 साल का रहेगा मेडिकल वाला कोर्स और 1,20,000 रुपये में कम्प्लीट हो जाएगा। जो लोग बी फार्मा लेटरल वाला करना चाहते हैं तो ये आपका 3 साल का होने वाला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर 1,10,000 रुपये पर ईयर चार्ज रहेगा, 22 सेम चार्ज आपको 3rd ईयर तक पे करना पड़ेगा, यानी कि जो टोटल अमाउंट निकल के आता है 3,30,000 रुपये, यानी कि 3 साल के अंदर आपको 3,30,000 रुपये पे करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो लोग यहाँ से यूजीसी साइंस करना चाहते हैं कर सकते हैं, लगभग 5 साल तक का हो सकता है क्योंकि 4.5 साल दिखा रखा है, लगभग हम 5 साल का मान के चलते। तो यहाँ पर 1,20,000 रुपये पर ईयर चार्ज रहेगा और जो टोटल अमाउंट रहेगा 4,80,000 रुपये, यानी कि जो टोटल अमाउंट रहेगा यहाँ पर 4,80,000 रुपये पे करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो लोग बीएससी करना चाहते हैं एग्रीकल्चर से बीएससी कर सकते हैं, 67,000 रुपये पर ईयर चार्ज रहेगा और जो टोटल अमाउंट रहेगा 2,68,000 रुपये, यानी कि 67,000 रुपये पर ईयर चार्ज रहेगा और जो टोटल फीस रहेगी यहाँ पर 2,68,000 रुपये, यानी कि 4 साल के अंदर आपको 2,68,000 रुपये पे करना पड़ेगा बीएससी के अंदर। जो लोग बीए और एलएलबी, यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, बीए और एलएलबी दोनों एक साथ करना चाहते हैं कर सकते हैं। 5 साल का कोर्स रहेगा, 80,000 रुपये पर ईयर चार्ज रहेगा। तो 5 साल के अंदर आपको 80,000 रुपये पर ईयर चार्ज रहेगा, आपका टोटल जो अमाउंट लगेगा वो यहाँ पर 4,00,000 रुपये लगने वाला है, तो आपको 4,00,000 रुपये पे करना पड़ेगा। जो लोग बीसीए और एमसीए करना चाहते हैं कर सकते हैं, बीसीए और एमसीए के जो चार्जिंग अमाउंट रखी गई वो यहाँ पर ईयर 50,000 रुपये रखी गई है और ये कोर्स आपका 5 साल का रहेगा। जो टोटल अमाउंट निकल के आता है यहाँ पर 2,50,000 रुपये, यानी कि 5 साल के अंदर आपको 2,50,000 रुपये पे करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से भी ये कोर्स कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं, बी ऑप्टोम। जो लोग ये कोर्स करना चाहते हैं कर सकते हैं, 60,000 रुपये पर ईयर चार्ज रहेगा और ये कोर्स आपका 4 साल का रहेगा, यानी कि 4 साल के अंदर आपको जो टोटली यहाँ पर पे करना पड़ेगा 2,40,000 रुपये, यानी कि 4 साल के अंदर आपको 2,40,000 रुपये पे करना पड़ रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है, अगर आपको करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो बीएससी की बात करेंगे और बीएड की बात करेंगे, आप समझिएगा थोड़ा ध्यान से। अब जो लोग बीएससी और बीएड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, यहाँ पर ईयर 40,000 रुपये चार्ज रहेगा और 22 सेम चार्ज आपको 4 ईयर तक पे करना पड़ेगा और जो टोटल अमाउंट निकल के आते हैं यानी कि 4 साल की फीस जो रहेगी 1,60,000 रुपये, यानी कि आपको बीएससी और बीएड दोनों ही कंप्लीट हो जाएगा 4 साल में और 1,60,000 रुपये टोटली चार्ज रहेगा। तो यहाँ पर बीएससी होनेस्ट से करना चाहते हैं कर सकते हैं, यहाँ पर 1,00,000 रुपये पर ईयर चार्ज रहेगा और 3,00,000 रुपये फीस टोटल रहेगी। जो लोग बीपीटी करना चाहते हैं बीपीटी कर सकते हैं, बीपीटी की जो चार्ज रखा गया वो यहाँ पर 75,000 रुपये रखा गया, तो आप यहाँ पर ईयर 75,000 रुपये चार्ज रहेगा। तो यहाँ पर ये जो कोर्स है आपका 4 ईयर तक चार्ज रहने वाला है, टोटल जो फीस रहेगी 3,00,000 रुपये, यानी कि 3,00,000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। जो लोग बीबीए करना चाहते हैं और एमबीए करना चाहते हैं, बीबीए और एमबीए कर सकते हैं, यहाँ पर ईयर 50,000 रुपये चार्ज रहेगा, तो ये आपको 5 ईयर तक पे करना पड़ेगा, यानी कि 5 साल तक आपको 50,000 रुपये पर ईयर पे करना पड़ेगा और जो टोटल अमाउंट रहेगा यहाँ पर 2,50,000 रुपये, यानी कि 2,50,000 रुपये आपको 5 साल के अंदर अंदर पे करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से भी कोर्स कर सकते हैं। बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, जो लोग ये कोर्स करना चाहते हैं कर सकते हैं, 50,000 रुपये पर ईयर चार्ज रहेगा और ये 4 साल का कोर्स रहने वाला है। तो यहाँ पर जो टोटल फीस निकल गई यानी कि 4 साल की बीएफए की बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की जो फीस रहेगी 4 साल की 2,00,000 रुपये, यानी कि पर ईयर 50,000 रुपये, तो यहाँ पर 4 साल के अंदर आपका 2,00,000 रुपये में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर बीआईईडी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 40,000 रुपये पर ईयर चार्ज रहेगा और ये कोर्स आपका 40,000 रुपये पर ईयर रहेगा, जैसे कि टोटल जो अमाउंट रहेगा यहाँ पर 1,60,000 रुपये और यहाँ पर आपका 4 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट कोर्स के बाद एमएससी, जो लोग बीएससी के बाद एमएससी करना चाहते हैं एमएससी कर सकते हैं, एमएससी के जो चार्जिंग अमाउंट रखा गया वो यहाँ पर 50,000 रुपये रखा गया, यानी कि पर ईयर आपको 50,000 रुपये पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट निकल जाता है 1,00,000 रुपये। एमपीटी की बात करेंगे तो 50,000 रुपये चार्ज रहेगा और ये 2 साल का कोर्स रहेगा, तो 1,00,000 रुपये टोटल बनता है, यहाँ पर 2 साल के अंदर आपको पे करना पड़ेगा। जो लोग मास्टर ऑफ एजुकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 साल का रहेगा, वही सेम चार्ज आपको 1,00,000 रुपये 2 साल के अंदर पे करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो लोग एमए करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं, एमए के भी 25,000 रुपये पर ईयर चार्ज रहेगा, यानी कि 2 साल के अंदर आपको एमए 50,000 रुपये में कंप्लीट हो जाएगा। एमकॉम करना चाहते हैं तो पर ईयर 30,000 रुपये चार्ज रहेगा, टोटल जो अमाउंट रहेगा 60,000 रुपये। जो लोग एमसीए करना चाहते हैं एमसीए कर सकते हैं, 60,000 रुपये पर ईयर चार्ज रहेगा, भाई सेम चार्ज आपका सेकंड में, टोटल जो यहाँ पर रहेगा 1,20,000 रुपये। पीएचडी करना चाहते हैं 75,000 रुपये पर ईयर चार्ज रहेगा और यहाँ पर
3 ईयर तक पे करना पड़ेगा, यानी पीएचडी का जो चार्जिंग अमाउंट है 3 ईयर तक पे करना पड़ेगा, और जो टोटल अमाउंट रहेगा 2,25,000 रुपये। जो लोग डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं कर सकते हैं, 42,000 रुपये पर ईयर चार्ज रहेगा, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड। टोटल जो अमाउंट रहेगा 1,26,000 रुपये। तो आपको यहाँ पर 3 साल के अंदर 1,26,000 रुपये पे करना पड़ेगा। जो लोग डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं कर सकते हैं लेटरल से। तो यहाँ पर जो इसकी फीस रखी है वो यहाँ पर 45,000 रुपये रखी गई है, तो पर ईयर 45,000 रुपये चार्ज रहेगा, और जो टोटल अमाउंट रहेगा यहाँ पर 90,000 रुपये। जो लोग डिप्लोमा लेटरल से करना चाहते हैं कर सकते हैं, यहाँ पर 45,000 रुपये पर ईयर चार्ज रहेगा, जो टोटल अमाउंट निकल गया था 90,000। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ पर 60,000 रुपये में 1 साल का कोर्स रहेगा, और इसकी प्लेसमेंट भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर योगा का जो डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं कर सकते हैं, पर ईयर 24,000 रुपये चार्ज रहेगा, वही सेम चार्ज आपका सेकेंड ईयर, जो टोटल अमाउंट रहेगा 48,000 रुपये, यानी कि 2 साल के अंदर आपको 48,000 रुपये पे करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि इस तरीके की आपको वीडियो मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तो देखिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बताइएगा और हमारे चैनल पर जाकर जरूर विजिट कीजिएगा, ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको तक मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तो देखिए नमस्कार।